गुजरात के वडोदरा के हरणी में घटी बोट दुर्घटना मामले तीन और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वडोदरा में 18 जनवरी को घटी बोट दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से 16 आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्त में थे, जबकि 4 आरोपियों की तलाश थी। उनमें से 3 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। देना चौकड़ी ब्रिज निकट से परेश शाह के बेटे वत्सल शाह, पत्नी नूतन शाह और बहू बैसाखी शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एसआईटी की सदस्य पन्ना मोमाया ने जानकारी दी है। 18 जनवरी को हरणी मोटला लेक है, वहाँ पे एक स्कूल जो बच्चे जा रहे स्कूल के बच्चे थे उनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। उस अनुसंधान में हरणी पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर दर्ज की हुई थी और वो एफआईआर तहत हमने अभी तक 16 आरोपियों को अरेस्ट कर चुके हैं। आज हम और 3 आरोपी को अरेस्ट किया है हम लोगों ने। उनका नाम है वैशाखी बहन, डॉटर ऑफ परेश भाई शाह, नूतन बहन, वाइफ ऑफ परेश भाई शाह और वत्सल, सन ऑफ परेश भाई शाह। 3 को हमने अरेस्ट किया हुआ है। उसमें से जो नूतन बहन है, उनकी हेल्थ मेडिकल कंडीशन की वजह से वो बड़ौदा में उनकी डॉक्टर को बताने आ रहे थे, तब हमको पता चला और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये जो वत्सल शाह है वो 10% के पार्टनर हैं और बाकी वैशाखी बहन और परे अनुतन बहन वो हैं, वो 5-5% के पार्टनर हैं। टोटल 20% का इनका पार्टनरशिप है। आज हमने सुबह लेक जोन पे बोर्ड को बोयंसी टेस्ट के लिए भी हमने फैसल को साथ में रख के टेस्ट किया हुआ है और आगे इन लोगों कहाँ कहाँ रुके थे और कहाँ कहाँ इनको शेल्टर मिला है उसकी भी हम तपास करेंगे और आगे की कार्यवाही चालू है। वो अभी बोएंसी टेस्ट आएगा, एफएसएल ने खुद टेस्ट किया है ये और एफएसएल का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही हम वो बता पाएंगे। आरोपी वडोदरा में देना चौकी सेंटर होते थे, तब हमने देना चौकी पे उनको पकड़ लिया है। हमने उनके जो पर्सनल बैंक अकाउंट है वो भी सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। CRPC 70 का वारंट भी ले लिया है हमने और उनकी जो असेट्स है वो भी हम सीज करने के लिए कार्यवाही शुरू की। इसीलिए ही ये 3 भी उनको पता चल गया और ये 3 भी मेडिकल कंडीशन और ये वजह से ही यहाँ वडोदरा में आए हुए थे और हम जल्द ही हमारी टीम कार्यरत है और जल्द ही ये जो एक आरोपी बाकी उसको भी हम पकड़ लेंगे। जितने भी आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं वो कहाँ कहाँ रुके थे उसकी हम तपास करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर आगे कार्रवाई करेंगे।